आत्माओं को बहुत कष्ट होगा क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया है। प्रहलाद कहने लगे, मैं जहर पीने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं छोड़ेंगे। कयाधु ने जहर दे दिया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। मंत्री के साथ में हिरण्यकश्यप दरबार से चले। एक बात की, अब तो बालक खत्म हो गया होगा। और जैसे ही आए, कयाधु बैठी है आंगन में, प्रहलाद खेल रहे हैं। और जैसे ही खेलता हुआ पाया, एक बात कही, कयाधु इस बच्चे को जहर नहीं दिया। दोनों हाथ जोड़े, महाराज मैंने ऐसे जहर दिया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। मंत्री पास खड़ा था, महाराज ऐसी कौन सी पत्नी है जो स्वयं बच्चे को जन्म दे और अपने हाथ से उसे खत्म करे। मेरी बात सुनो, सुनाओ है। अरे रानी ने चेर पहना करके लट पानी उसे पिलाओ है। आ महाराज, कौन सी माँ होगी जो स्वयं अपने बच्चे को अपने हाथ से खत्म करे। कोई ऐसी निर्दयी माँ नहीं इस संसार में होगी। महाराज मेरी बात सुनो, बच्चे को जहर नहीं दिया इसलिए नहीं मरा। यहां से आगे की कथा आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव जी के मुख से सभी भक्त श्रवण करेंगे। आइए एक लाइन का भगवान का कीर्तन बोलेंगे सभी भक्त।